अगला व्यंग, हस्त खेलत तेरे देहरे आया। जागरूक सिख जानते हैं कि सिख समाज लगातार निघार वल जा रहा है। यह भी पता है कि पंथक बेड़े दे मंझधार वल जाने असी भी नहीं बच सकांगे। सारे सिख मूर्ख भी नहीं हैं, बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां ते सिख जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। कई सारे सिख डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, इतों तक कि भारत देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी 5 साल रह चुकिया है। सन 2004 तो 2014 तक देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रह चुकिया है। पंजाब का मुख्यमंत्री अते होर वड्डे अहुदियां समेत प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह अते होर सिख शकलां वाले वेखे जा सकते ने। व्यापार विच, देश विदेश की राजनीति विच सिखां दी अच्छी भूमिका है। ये सारे पक्ष तसली देने वाले हैं, पर समुचा सिख पंथ निघार वल जा रहा है। भला अजिहा क्यों हो रहा है? जिवें कि मैं महसूस करता हाँ, जिंदगी विच सफलतावां हासिल करन वाले सिख अपनी निजी सियाणप अते निजी मेहनत नाल अगे वधदे हन। पंथ दी सांझी जथेबंदी श्रोमणी कमेटी ने उन्हां वास्ते कोई योगदान नहीं पाया। व्यक्तिगत मेहनत नाल उपर उठन वास्ते आम नालों कई गुणा वध ताकत खर्च करनी पैंदी है। इकला व्यक्ति कमजोर अवस्था विच हुंदा है। अगर पंथ दी सांझी सोच अते शक्ति उसदे नाल होवे ते कोई उसनू चंगी अगवाई देने वाला होवे तां कमजोर व्यक्ति भी बहुत वड्डियां प्राप्तियां कर सकता है। अकलवंद सिख जो वड्डे रुतबे हासिल कर चुके हैं, वह सांझे पंथक हितों वास्ते कुछ भी करने लई तैयार नहीं होंदे। वह पैसा कमाउंदे जाणगे, कारखाने उसारदे जाणगे, व्याह शादियां ते करोड़ां रुपए फूक देणगे, पर अपने समाज नूं उभारन वास्ते राई मात्र सहयोग करन लई तैयार नहीं होंदे, क्योंकि पंथ ने उन्हां वास्ते कुछ भी नहीं कीता। जिन्नी तरक्की उन्होंने की है अपने निजी यतना दे नाल कीती है, इस करके उन्हां नूं पंथ नाल कोई हमदर्दी नहीं हुंदी। कुछ समा पहला फौज विच नौकरी कर रहा एक करनल जो फौजी वर्दी विच ही सी, गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज लुधियाणा विखे आ गया। उस दिन मैं भी उत्थे ही सां, सो साडी दोवां दी मुलाकात हो गई। उसने मेरे बारे पहला थोड़ी बहुती जानकारी ली हुई सी। मैं अपनियां कुछ किताबां उसनू दे दित्तियां। चाह पींदियां करनल साहब ने पंथ दी बिगड़ी हालत ते चिंता जताई। मैं पैंदी सट्टे कह दिता कि पंथ दी निगरी हालत लई तुसीं जिम्मेवार हो। वह तां एकदम बेचैन हो गया। तलख लहजे विच मैनू कहण लग्या, मैं किवें जिम्मेवार हाँ इस निघार दा? मैं उसनू जवाब कुछ इउं दिता, वीर जीओ तुसीं महंगे स्कूलों विच पढ़े होए हो, सरकारी स्कूलों विच नहीं। आम सिखां नालों तुहाडियां रहायशी कलोनियां वक्खरियां ने, तुहाडे क्लब वक्खरे ने, कई थावां ते तां अमीरां दे गुरद्वारे भी वक्खरे ने। आम सिख कोल खलोना बैठना तुहाडी शान घटाउंदा है। तुसीं अते तुहाडे वर्गे होर आम मनुख तों वक्खरे हो गए ने। तुसीं सानूं ज्ञान देना सी, तुसीं सानूं पढ़ाई लिखाई करवाउणी सी, तुसीं सानूं जिंदगी विच काम होण जाब होण दे तौर तरीके सिखाउणे सी, पर तुसीं इस तरह ना कीता, साथों अलग हो गए। तुसीं अपना सब कुछ साथों वखरा कर लिया, तुहानूं तां साडे विच्चों मुश्क आउण लग पई, साडे तों तुसीं नफरत करन लग पए। धन्नवाद है तुहाडा, बार बार शुकराना है कि तुसीं इस गरीब बस्ती विच आए हो। तुहाडे आउण नाल साडा माण वधेगा, तुहानूं साडी हालत दा पता लगेगा, तुसीं सानूं अकल दिओगे, असीं तुहानूं ताकत देंगे। ये फेरी तुहाडी आखरी फेरी ना होवे, लगातार इत्थे कॉलेज विच आउंदे रहना, सानूं गरीबां नूं मिलदे रहना। करनल वीर ने खड़े होके मैनूं धा के गलबकड़ी पा ली, बहुत ही प्यार अते अपनत्त नाल आखिया कि जदों भी वक्त मिलिया मैं आउंदा रहांगा, अज भी मैं एक घंटा इत्थों दे विद्यार्थियों नूं लैक्चर दे के जावांगा। वदायगी वक्त मैं उसनूं एक गल सुनाई जो उसनूं पसंद आई, लो तुसीं भी ओ सुनो। पंथ दी निगरी हालत ते अकाली जथेदार
विचार कर रहे सन। कोई सलाह दे रहा सी खेती दे ढंग तरीके बदलो, दूजा समझा रहा सी खेती दे नाल नाल होर किते अपनाए जान, कोई दूजा कह रहा सी कि स्कूल वध तो वध खोलो ताकि साडे बच्चे पढ़ लिख सकन, कोई सलाह दे रहा सी इत्थे कुछ नहीं बनना जिवें किवें बच्चों नूं विदेशों विच भेज दिओ। पिछे बैठा भाई गोदा सिंह सारी वार्तालाप सुन रहा सी, पूरे जाहो जलाल नाल उठिया तेज कदमी स्टेज ते आया, माइक हथ विच फड़ के फतेह गजाई ते बोलन लग्या, वीरो पंथ नूं उच्चा करन वास्ते तुसी बड़े थोथे जिहे हासो हीणे जिहे सुझाव दे रहे हो, मेरा इको सुझाव मन लो तां शर्तिया पंथ उच्चा हो जाएगा, मेरा सुझाव है कि सारे गुरद्वारों विच लगे हुए निशान साहब 20-20 फुट उच्चे कर दिओ, जदों निशान साहब उच्चा हो गया तां पंथ तां आपे उच्चा हो जाएगा, एवें समा बर्बाद ना करो, मेरी सलाह मान लो। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उसने आपे जकारा चढ़ दिता ते सारे बिट बिट उहदे मूंह वल वेखण लग पए कि भलिया मानसा निशान साहब तां सारे गुरद्वारियां दे विच पहलां ही बहुत उच्चे लगे हुए ने, पर पंथ दा तां बेड़ा बैठदा जा रहा है, अकल दा खाना बंद हो चुकिया होया है, ते तू भी तां इह गल्लां ताइयों करदा है कि जे तेरा अपना अकल दा खाना बंद हो चुकिया है, तुसीं अपने वल भी सारे भैण भरा झाती मारो, अपने अंदर दी परख करो कि असीं किन्ने क मानसिक विकास कर चुके हाँ ते होर करन दी कोई संभावना है कि नहीं है। आखो सतनाम।